नहीं पा रहा इंटरेस्ट, मुझे भी आता है। एंड नाउ एज लाइक इन लेक्चर आर और प्रोफेसर आई एम गिविंग यू सरकार उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को Our humble professor Mr. Satyen Suryavanshi, I am going to teach you the subject productivity. आज मैं सत्येन सर की इजाज़त से यहाँ प्रोडक्टिविटी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एट फर्स्ट बहुत बढ़िया है। एट फर्स्ट व्हाट एंड व्हाई, ये मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी को क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि किस काम किया तो आप क्यों पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है जैसे अपन एलजेब्रा पढ़े होंगे, आज तक आप न जान पाए होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ कहाँ होने वाला है, इससे वो क्या हो सकता। तो प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, आफ्टर अप्लाइंग ऑल योर एफर्ट्स एंड एक्सपेंसेस व्हाटएवर यू गेट दैट ऑब्जेक्ट मटीरियल और सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। आपका जन धन लगाने के बाद जो भी सामान आपको मिलता है उसे प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो भी कहते हैं, और इस सब की प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो अब आप क्लियर हो गया होगा सबको कि प्रोडक्टिविटी क्या है। हाँ, सबको हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी जानना जरूरी है, वाई आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये प्रोडक्टिविटी, या कि क्यों पढ़ाया जा रहा है कि सर क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाया जा रहा है, सब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपके ऊपर एक ये जिम्मेदारी होती है कि आप कम से कम लागत में प्रोडक्ट तैयार करें प्लस उसको बेचे, यानी कि प्रोडक्ट तैयार करके रखते जा रहे हैं उसे हमें बेचना भी है, कंपनी को प्रॉफिट कमा के भी देना है। तो जैसे कि आप सबको पता है जॉब, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ जॉब क्रिएटर, मैं नौकरी देने वाला बनना चाहता हूँ ना कि नौकरी करने वाला। तो या कि आप जॉब करने जाते हैं या कि खुद भी एक फैक्ट्री शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी है क्या, आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे सकते, ठीक है। क्लियर हो गया कि प्रोडक्टिविटी क्यों पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया दिक्कत जाती है। बिल्कुल मैथड स्टडी एक टॉपिक है, मतलब मैथड स्टडी क्या, व्हाट इज मैथड स्टडी। प्रेजेंट कंडीशन प्रोसेस एक्सप्लेनिंग, मतलब मैथड स्टडी ये है कि इजीएस्ट और इफेक्टिव वे जिससे आप एक प्रोडक्ट तैयार कर सकें, देन इसको मार्केट में भेज सकें, देन उसको ना केवल मार्केट में कस्टमर के घर तक आप उसको आसानी से भेज सकें। कोई प्रोडक्ट अपनी कंपनी तैयार करें, देन उसको मार्केट में तो भेजना है प्लस अपने कस्टमर तक उसको इजीली भेजना है। जैसे आपने देखा होगा पहले अपनी क्या है, टीवी आया करती थी, जो कि हुआ करती थी टीवी आती थी, ठीक, कितनी बड़ी हुआ करती थी। तो अगर उसको आप इस टेलीविजन को, अब क्या है कि 60 इंच का टेलीविजन आने लगा, अगर आप उसको अपने कहीं जाना चाहेंगे या कि मैं कंपनी चालू करके उसको बेचना चाहूंगा, कितनी मुसीबत आएगी मेरे को, इतनी बड़ी टीवी में बेचूंगा, फिर कस्टमर जब उसको घर ले जाएगा तो उसको मिनी ट्रक बुक करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने क्या बना दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको पतली कर दिया। अब आप देखेंगे 60 इंच की टीवी को लोग बाइक में लेके घूमते हैं, मैं खुद देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, उठा के ले जाना बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं, ये इसको आप बाइक में नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हैं आराम से, चली जाए बड़ी बड़ी।
तो ये मैथड स्टडी, ठीक है, मैथड स्टडी में हम ये पढ़ते हैं, मैथड स्टडी में इजीएस्ट एंड इफेक्टिव वे टू सप्लाई योर प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड नॉट ओनली इन मार्केट इवन इन द होम ऑफ कस्टमर। आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना केवल बनाना है, उसे मार्केट तक पहुंचाना है, और ना केवल मार्केट तक पहुंचाना है, कस्टमर के घर तक उसको इजीएस्ट वे में पहुंचाना है, यही काम होता है, यही है मैथड स्टडी, ठीक है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथड स्टडी, ठीक है। करेक्शन एंड मेथड स्टडी मतलब इसमें जो है सुधार होता है, जो भी है, एंड करेक्शन एंड लेआउट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का क्या है कि लेआउट इतना परफेक्ट होना चाहिए, जैसे अब मैं कोई टीवी टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो जैसे उसमें मैं कांच और प्लास्टिक यहाँ लेके बैठ गया, पर अगर मैं उसमें बटन लगाने के लिए जा रहा हूँ कि वहां से मैं बटन लगा के फिर देन लगाऊंगा, तो इससे मेरे कितनी दिक्कत होगी, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितनी एफर्ट वेस्ट होगी, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। तो क्या है कि लेआउट ऐसा तैयार किया जाए कि मेरे को यहीं पे बटन मिले एक हाथ की दूर में, देन उस पर जो भी मटीरियल है मेरे को इजीएस्ट वे में कम से कम जल्दी से जल्दी मिल सके, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा अपन को लेआउट तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर ह्यूमन पावर का यूज करना, ऐसा नहीं कि आप चालू कर दिए मशीनी मशीनी काम कर रही है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा पॉल्यूशन भी होगा और ह्यूमन पावर लगेगी, तो इससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही, पॉल्यूशन ही कम होगा, और भी बहुत सारे चीज़ें, और मटेरियल शुड बी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करें। अब जैसे मतलब सपोज दैट मैं कोई ऐसा प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ जिसको जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो जब उसको बर्न किया जाता है या फिर लाया जाता है, तो शायद वो प्लास्टिक ऐसा हो जो कि कोई केमिकल रिलीज करता हो जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान होता हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है इंजीनियर्स की कि हम उसके जगह ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो कम से कम कुदरत को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, कम से कम, अगर नुकसान तब भी पहुंचाएगा पर कम से कम पहुंचाए, ये होता है ह्यूमन पावर एंड मटीरियल शुड बी मोर। मशीन एंड प्लांट्स लेआउट शुड बी डिजाइन बेटर। अब जो मशीन है, अब सोचो मैं टीवी तो बना रहा हूँ, अब तीन कौन की टीवी बनाने लग जाऊँ, ये तो गलत है, मतलब कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए मशीन का डिजाइन जो है कि अपन को एक परफेक्ट डिजाइन ही देना है जो कि सबको पसंद आए, यूनिवर्सल हो, ठीक। और वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट, हमको इस बेसिस पे काम करना है कि जो एनवायरनमेंट कुछ कम से कम नुकसान पहुंचाए और वो प्लेस भी साफ सुथरी है, और कचरे में काम करने में मजा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये लगभग प्रोडक्टिविटी मेथड स्टडी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ थोड़ा सा लिखवा दो, लिखा हुआ कल बेसिक प्रोसीजर फॉर मेथड स्टडी, बेसिक प्रोसीजर फॉर मेथड स्टडी, ठीक है। मैथड तैयार करनी पड़ेगी, सपोज मैंने बनाने के
उसके पहले मुझे इसे बनाने के लिए कई सा हर एक चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, पूरे मेथड तैयार करनी पड़ेगी कि मतलब इसको बनाने में टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आएंगी। बेसिक पॉइंट है टेक्निकल प्रॉब्लम, आप सबने लिखे होंगे टेक्निकल प्रॉब्लम ह्यूमन रिएक्शन एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको बनाने में मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आएंगी, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी इसको बनाने में मेरे सामने। देन उसके बाद इसको मेरे प्रोडक्ट को देख के आप सबका यानी पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, है ना। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये कितनी लागत कितनी कारगर है, मतलब कितनी आप क्यों खरीदना चाहेंगे और मैं इसको कितनी अच्छी कीमत पे क्योंकि आप खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा यही चीज़ें आपको इस तरह की मेथड तैयार करनी होगी कि ये इसको आप इजीली मैन्युफैक्चर कर सके, देन इसको बेच सके। और देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है टू रिकॉर्ड। आपको हर एक चीज को कोई भी फैक्ट्री शुरू करने से पहले आपको हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, या कि कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां भी आपको ये सेम काम करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब जैसे अपने प्रोडक्ट क्या है टेबल, इसको काम करने के लिए अपन एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है जो एम्प्लॉयज इसको कट करता हो वो इसको असेंबल ना कर सकता हो, मतलब जोड़ ना सकता हो, तो उसके लिए आपको दूसरा एम्प्लॉय करना होगा जो की वेट होंगे काटने के बाद। तो इस तरह का ही सारे, ये तो नॉर्मल चीज है, पर जो बहुत बड़ी चीज है उसमें बहुत सारे क्या लगते हैं वर्कर्स लगते हैं या बहुत सारे स्टाफ लगता है। तो ये तो ईजी सी है, इसमें बहुत सारे लोग लगेंगे नहीं, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। प्लस एक अलग से रिकॉर्ड इसका भी रखना पड़ेगा कि हमारे मटेरियल क्या क्या यूज हुआ है, रिटर्न रिकॉर्ड रखना पड़ेगा दुकान में कि हाँ ठीक है मेरे को याद है इसमें बनाने में लगने। तो आप क्या रिटर्न, अब सोचो मैंने फैक्ट्री तो डाल दी पर मैं कीले लाना भूल गया, मैं लकड़ी ले आया सब ले आया वर्कर रख दिया पर मेरे पास कीले नहीं है, तो मैं इसको बनाऊंगा क्या, नामुमकिन बना पाऊंगा नहीं। इसलिए इसके किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करवाया जाता है, हर एक फैक्ट्री में कंपनी में रिकॉर्ड मेंटेन करवाया जाता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग क्लियर हो गया। देन टू डेवलप, आपको नहीं इसके बाद टू एग्जामिन भी है, टू एग्जामिन। अब सपोज दैट मैं फैक्ट्री तो डाल दिया पर इसका जो मटेरियल है इसको मैं 150 किलोमीटर दूर से ला रहा हूँ, जो लकड़ी है मैं 150 किलोमीटर दूर से ला के यहाँ असेंबली इसकी कर रहा हूँ, कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, नामुमकिन है कि मैं 150 किलोमीटर से लकड़ी लाऊं देन उसके बाद यहाँ कम उसको असेंबल करूँ और मार्केट में बेच के प्रॉफिट ला के दे सकूँ, नामुमकिन सी बात है। इसलिए मेरे को फैक्ट्री भी वहीं डालनी होगी जहाँ पे लकड़ी मेरे को आसानी से मिल जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ठीक है ऐसी जगह पे फैक्ट्री डालना हूँ जहाँ पे हमारे सारे मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो इजीली अवेलेबल, मतलब चुटकियों बजाते हुए आपको मटेरियल मिल जाए, ऐसी जगह फैक्ट्री डालनी है। जैसे आपकी बिरला है, ये बिरला कहीं भी डाल सकते हैं, कभी आपने सोचा ये यहीं क्यों डाली गई, क्योंकि लाइम स्टोन है यही मिलता है, कोल है ये आपके शेडोल साइड से आ जाता है, इजीली अवेलेबल, ट्रेन में आया ट्रेन से बाय दी रेलवे आया और सांस फैक्ट्री में पहुंच गया, मतलब छुट्टियों में काम हो रहा है, इसलिए बिरला ने यहाँ फैक्ट्री डाली, खदानें इतनी सारी पड़ी हैं, उसको मटेरियल क्या इजीली मिल रहा है, इसीलिए उसने इस प्लेस को क्या है लिया, यहाँ फैक्ट्री खोलने की सोची उसने। तो ठीक है टू एग्जामिन हो गया, देन उसके बाद टू डेवलप। अब मैंने फैक्ट्री तो खोल दी है पर अगर मैं उसको डेवलप नहीं कर रहा हूँ, उस पर रोज चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, उसकी बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूँ, तो वो प्रॉफिट अपन नहीं कमा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये चीज पुरानी हो जाएगी तब शायद लोग कम पसंद करना शुरू कर देंगे, इसलिए इसको अपन को डेली डेवलप करते जाए, या कि हमारे साथ कंपनी के मेथड पुराने हो जाए। ये भी अब पहले क्या है कि लोग हाथ से काटते थे आरा ब्लेड चलाते थे, अब क्या ग्राइंडर आने लगे कटर आने लगे, तो ये सब चीजें अपन को अपने फैक्ट्री में डेवलप करनी रहेंगी करते रहनी होंगी,
और हो सकता है इन फ्यूचर अपन कटर से भी कोई बेहतर चीज ला सके, जैसे लेजर कटिंग होती है, कंप्यूटर में फीड किए सामान रखती है, लेजर काट के दे देता है। तो ये अपनी कंपनी को डेवलप करते रहते हैं, ये सब इंजीनियर्स करते हैं, कोई बाहर से थोड़ी लेजर बना के आता है। आप और हम लोग जैसे ही, हम जैसे लोग ही करते हैं। और तुम इंस्टॉल न्यू मेथड, अच्छा मैंने शायद टू इंस्टॉल न्यू मेथड को डेवलप की जगह बता दिया, ठीक है। तो डेवलप, चलो ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है। तो अब न्यू मेथड को अब डेवलप, अब जो प्रोडक्ट है इसको डेवलप करना। अब सोच रहे हैं कि ये हमारा पढ़ने से तो ठीक है, प्लस इसमें हम एक ग्लास होल्डर, कप होल्डर भी लगा दें, जैसे हमें पानी रख के यहाँ पड़ रहा हूँ गिर गया, इसके लिए अलग से कप होल्डर भी लगा दिया जाए। तो ये क्या है, इसकी डेवलपमेंट है, मेरे प्रोडक्ट की क्या है, मैं डेवलप कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँ कि ये थोड़ी दूर रखा तो इसके नीचे स्लाइडर रख दूँ, ताकि मैं कीबोर्ड रख के इजीली कंफर्टेबली या अपन टाइप कर सकूँ दूर रख के, तो इस पर एक स्लाइडर लगा दें। ये सब क्या है, इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है। और टू मेंटेन न्यू मेथड, अब इन सारी चीजों को मेंटेन करना, न्यू मेथड्स को मेंटेन भी करना होगा, लगभग यही है, लगभग इसी से रिलेटेबल चीज है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मेंटेन कैसे होगी, वो हाँ उत्पादकता को निरंतर अपनी एक लिमिट में, ठीक है।